नमस्कार साथियों, आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट ज्ञान बातें कमाई की बस स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी 19 फरवरी दिन सोमवार के लिए। उससे पहले एनालाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को किस प्रकार कार्य किया। जो है गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो है डाउन साइड की रैली देना शुरू किया, जो 46,300 के लेवल पर सपोर्ट लिया जाकर और वहाँ से बैंक निफ्टी में एक अपसाइड की रैली देखी गई। जिस पॉइंट पर मार्केट आज ओपन हुआ था उसी पॉइंट तक मार्केट ने फिर से अपसाइड का रैली दिया। उसके बाद मार्केट एक फिर से डाउन साइड की रैली शुरू हुई और फिर से जाके बैंक निफ्टी ने जो है 46,300 के लेवल पर सपोर्ट लिया और 46,300 के लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक रेंज बॉन्ड में फंस जाती है। के बाद जो हमारा सपोर्ट लेवल रजिस्टेंस लेवल था 46,480 का, जो मार्केट ने जैसे ही उसको तोड़ा तो हमारा जो तीसरा टारगेट था 46,650 का, जो 150 पॉइंट का बड़ा टारगेट हमने दिया था कि तीसरा और टारगेट हमारा 150 पॉइंट का रहेगा 46,500 के बाद में 46,650 का जो टारगेट थे, मार्केट ने 46,500 का लेवल ब्रेक होने के बाद सीधा 150 पॉइंट का हमको जो मूव हमने पिछली वीडियो में बताया था वो आज दे दिया। तो आइए बात करते हैं कि शुक्रवार को बैंक निफ्टी किस प्रकार कार्य करेगा। बैंक निफ्टी में अभी काफ़ी भयंकर डाटा निकल कर आ रहा है ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी जो है एक से दो दिन में 47,000 के लेवल को पार करने की कोशिश करेगा। मार्केट अभी काफ़ी बुलिश लग रहा है और 47,000 के लेवल को या तो सोमवार को ही ब्रेक करके निकल सकता है या फिर सोमवार नहीं तो मंगलवार को बैंक निफ्टी जरूर 47,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो कल सोमवार को हमारे सी की साइड में टारगेट किस प्रकार होंगे आइए जानते हैं। यदि बैंक निफ्टी यहाँ से 46,400 और 46,500 के लेवल में बीच में जो है ओपन होता है तो हमारे टारगेट इस प्रकार होंगे। 46,500 का लेवल जैसे ही मार्केट ब्रेक करके ऊपर की साइड को निकलेगा तो हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ से 46,650 का। पहला टारगेट ही हमारा काफ़ी बड़ा टारगेट रहेगा, 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में पहला टारगेट। 46,650 का लेवल ब्रेक होने के बाद ई मार्केट में यदि अपसाइड की रैली बरकरार रहती है तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 46,700 का। 46,700 का 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ये 50 पॉइंट का टारगेट है छोटा सा, लेकिन इसके बाद जो है मार्केट एक फिर से बुलिश मूवमेंट में आ सकती है। 46,700 का लेवल ब्रेक होने के बाद जो है हमारा तीसरा टारगेट जो रहेगा 46,800 का रहेगा। 46,800 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही बैंक निफ्टी में जो है अब बुलिश रहने की संभावना बनी रहेगी, जो कि हमारा उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 46,880 का। 46,880 का लेवल जैसे ही मार्केट ने यदि ब्रेक करके अपसाइड को मूवमेंट दिया तो वहां से बैंक निफ्टी में जो है काफ़ी बड़ी रैली आने की संभावना रहेगी, जो कि 47,000 को ब्रेक करने के लिए कोशिश करेगी वहां से बैंक निफ्टी। जो हम 47,000 का जो लेवल बता रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, सोमवार को बैंक निफ्टी जो 47,000 को लेवल को टच करने की कोशिश करेगी। यदि बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड का मूव नहीं देती है तो डाउन साइड की तरफ निकलती है तो किस प्रकार बैंक निफ्टी में हम कार्य करेंगे, टारगेट किस प्रकार होंगे आइए जानते हैं। यदि बैंक निफ्टी 46,400 46,300 के बीच में ओपन होती है तो हमारे टारगेट इस प्रकार होंगे। 46,300 का लेवल जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे की साइड को ब्रेक करके निकलेगा तो हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर 46,180 का। 46,180 का 120 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे पुट साइड में 120 पॉइंट का टारगेट जैसे अचीव हो जाता है और उसके बाद भी बैंक निफ्टी में जो है गिरावट जारी रहती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 46,100 का। 46,200 का जो टारगेट है हमारा उसके बाद अचीव होने के बाद बैंक निफ्टी और बियरिश मोड में आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 46,000 का। 46,000 के लेवल पर पहुंचकर ये बैंक निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर पहुंच जाएगी और यहां से एक 46,000 से लेके 45,950 का जो लेवल है काफ़ी रेंज बाउंड एरिया है, यहां पर मार्केट काफ़ी फंस सकता है। यदि फंसने के बाद यहां से बैंक निफ्टी में वापस रिवर्सल आएगा अब सी की साइड में, यानी कि मार्केट फिर से बुलिश
रहेगी। यदि 46,950 का लेवल को ब्रेक करके मार्केट यहाँ से नीचे की साइड को निकलने की कोशिश करती है तो फिर मार्केट में बड़ी बेरिश मूवमेंट आ सकती है और हम वहाँ से मार्केट में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं दर है। तो ये थी बैंक निफ्टी की सोमवार 19 फरवरी के लिए हमारी एनालाइज। तो वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।